प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में अधिकारियों के तेवर भी बदल गए हैं। जहां भाजपा के विधायक हैं, वहां हर काम सियासत के पेच में फंसा हुआ नजर आता है। राजधानी के चौमू कस्बे में भी कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया है। यहां होने वाला हर विकास कार्य सियासत की भेंट चढ़ जाता है और सियासी गलियारों में फिर इसकी चर्चा भी होने लग जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भाजपा सरकार की ओर से चौमू नगर पालिका क्षेत्र में अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया गया था और इसके लोकार्पण को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना कुमावत ने नगर पालिका ईओ सरिता बटसरा को पत्र लिखकर बुधवार को उद्घाटन करवाने की बात लिखी थी, जिस पर नगर पालिका ईओ ने उद्घाटन समारोह में असमर्थता जाहिर करते हुए 7 दिन का समय मांगा। ईओ ने कहा कि अभी तक ठेकेदार ने भवन को सुपुर्द नहीं किया है, लेकिन अगर भवन सुपुर्द नहीं हुआ है तो फिर ठेकेदार को भुगतान नगर पालिका ने कैसे कर दिया, इस बात पर भी सवाल खड़ा होता है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने तय समय पर अपने नेता से अम्बेडकर भवन का ताला तोड़कर लोकार्पण करवा डाला और इस नजारे को देखकर लगता है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद चौमू कस्बे में ताले तोड़कर लोकार्पण रिवाज बन गया है। एक बार फिर वही हुआ, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर भवन के ताले तोड़कर अपने विधायक रामलाल शर्मा से लोकार्पण करवा लिया। आपको बताते चले कि इससे पहले भी सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन भी भाजपा ने ताले तोड़कर ही किया था, जिसकी शहर में चर्चा रही थी। के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की घोषणा थी कि नगरपालिका क्षेत्र में अंबेडकर भवन बनेंगे और उस सरकार के बजट से अंबेडकर भवन बना। नगरपालिका उसकी कार्यकारी एजेंसी थी। नगरपालिका अध्यक्ष जी ने कल यू नगरपालिका चुम्मू को कहा कि हम ये उद्घाटन कर रहे हैं, आप इसकी व्यवस्था करें, लेकिन सरकार की तानाशाह रवैये के आधार के ऊपर ईओ ने अध्यक्ष का निर्देश मानने से भी इनकार किया और उल्टा एक पत्र और लिख दिया कि हम उद्घाटन कराने में सक्षम नहीं है। मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की मजाक है।